प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की बात करें तो पहले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भाई कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो आइए बात, बेंजीन इज प्रेजेंट ऑर्डर कंटेनिंग कलरलेस वाटर इनसॉल्युबल वोलेटाइल कार्सिनोजेनिक लिक्विड। पानी में नहीं घुलता है, प्रेजेंट ऑर्डर का वाला होता है, कलरलेस होता है और हाँ कैंसर कॉज करता है, कार्सिनोजेनिक है ये। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो बेंजीन गिव्स मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको ऐसी से दिखाते हैं, एडिशन रिएक्शंस पुअरली, यानी कि यहाँ पर बेंजीन के अंदर होता है क्या कि बेंजीन को देना चाहिए था एडिशन रिएक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि वो डबल बॉन्ड जो है वो पार्शियल होता है और वहां पर एक स्पेशल फिनोमेना होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से बेंजीन बिहेव करता है लाइक इलेक्ट्रॉन रिच साइट, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, सिलेंस बेंजीन बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रॉन रिच एंड सैचुरेट स्पीसीज। तो बेंजीन जो होता है वो सैचुरेट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसलिए वो रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एडिशन रिएक्शन बहुत थोड़ी देता है, पुअरली देता है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेंजीन इज ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कोई पूछे रीजन तो आंसर होगा रेजोनेंस। आइए आगे देखते हैं कि कैसे होती है ऐसी रिएक्शन। शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में आपको बताया था कि ये दो तरह के रिएक्शंस देता है, एक देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बहुत थोड़े देता है एडिशन रिएक्शन। तो हम लोग शुरू करते हैं एडिशन रिएक्शन से, जो कि बहुत कम होती है, बिकॉज बेंजीन बिहेव्स लाइक अ सैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए पहला रिएक्शन दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ में बेंजीन को हीट करते हैं निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स देयर। यहां पर इस रिएक्शन में बेंजीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिससे कि यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन। दूसरा रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ में यूवी लाइट के प्रेजेंस में, जिससे क्या होता है हर एक कार्बन पे एक बेंजीन ऐड हो जाएगी। ये भी एडिशन रिएक्शन है। ऊपर हमने देखा कि वहां पर 6 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, नीचे आप देखिए यहां पर 6 Cl ऐड हुए हैं, इसलिए इसका नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को शॉर्ट में BHC बोलते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, आप देख पा रहे हैं गैमेक्सीन या लिंडेन या फिर गैमालिन कहते हैं इसको, और ये एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड है। हालांकि अलग बात है कि यूरोपियन कंट्रीज में ये बैन हो चुका है, पर इंडिया में आज भी चल रहा है। आप किसी पूछिए तो आपको तुरंत इंसेक्टिसाइड का नाम लेते ही वो बोलेगा कि भाई गैमेक्सीन। क्लियर? तो ये हमने देखा एडिशन रिएक्शन। इसके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में हम लोग शुरू करते हैं, बेंजीन जो होता है इट गिव्स मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेंजीन से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने पहले, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन में एल्काइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इन रिंग बाय सब्स्टिट्यूटिंग एच एटम। आप रिंग में से आप देख सकते हैं कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन में ईच एंड एवरी कार्बन हैज वन एच एटम एंड ऑल द 6 एच एटम्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। ये 6 के 6 आइडेंटिकल होते हैं। तो यहां पर देखिए हमने एक एच को यहां से इसको रिप्लेस किया, आप किसी को भी कर सकते हैं, हमने इसको रिप्लेस किया एट द कॉस्ट ऑफ आर। तो यहाँ पे R ने H को सब्स्टिट्यूट किया है और यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो एल्काइल ग्रुप है, कुछ भी एल्काइल हो सकता है लाइक मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा एल्काइल बेंजीन और साथ में बना है HX एज अ माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये रिएक्शन है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। आइए अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं। बेंजीन में वो रिएक्शन जिससे एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, मींस बेंजीन कन्वर्ट हो जाती है एल्काइल बेंजीन में, वो रिएक्शन कहलाती है एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन और इट इज डन बाय फिडलक्राफ्ट। ये नेम रिएक्शन है, फिडलक्राफ्ट साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था, इसलिए नाम क्या रखा है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। आओ इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म को 3 स्टेप में डिवाइड किए हुए हैं। तो पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा आइए देखते हैं। ये है हमारा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड।
एल्काइल हैलाइड को जब आप हीट करेंगे AlX3 के साथ या BX3 के साथ, ये लुईस एसिड होता है, आप जानते हैं ग्रुप 13 के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज दे कैरी पी एमटी पी और मेटल, तो इसके पास भी खाली है। ये देखिए यहां से बॉन्ड क्लीव हुआ, एक्स माइनस निकलेगा और एक्स माइनस अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पी और मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा AlX4- जिसको बोलते हैं लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स। और साथ में जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए R+ और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है और ये यहां पर होता है कार्बोकैटायन क्योंकि आपने लिया हुआ एल्काइल हैलाइड, तो बचेगा क्या एल्काइल, तो एल्काइल एल्काइल कार्बोकैटायन बनता है यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल का एक टाइप है। स्टेप टू में आते हैं, स्टेप टू में फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आइए होता है क्या कि अभी आपने डिस्कस किया था हम लोगों ने आपके साथ कि बेंजीन बिहेव्स लाइक सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो ये बेंजीन है इलेक्ट्रॉन रिच है, साथ में कौन है इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तुरंत ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। जब ये बॉन्डिंग होगी तो देखिए यहां पर पहले से आप जानते हैं हर एक कार्बन के पास क्या है एच है और इस पर कौन आ गया है आर, ये बॉन्ड जो था ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट कर गया है, यहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए हैं ना बॉन्ड बनाने में, तो यहां तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया है, इसके साथ तो बॉन्ड बन गया, इसकी वैलेंसी तो पूरी है पर पीछे वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, इसलिए वो एक्वायर कर रहा है प्लस चार्ज, उस पर आ गया है प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं एरिनियम आयन। और इसका नेचर जो होता है ये नॉन प्लेनर होता है क्योंकि इस कार्बन को ध्यान से देखिए ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये जो आपका एरिनियम आयन होता है ये एरोमेटिक नहीं होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एरोमेटिसिटी रही ही नहीं है, क्यों नहीं रही है क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो गया है। जब भी किसी स्ट्रक्चर में sp3 कार्बन आ जाएगा तो वहां पर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाता है, स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाता है और ये बन जाता है नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान रखिएगा यहां पर किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन में जो फॉर्मिंग एरिनियम आयन होगा वो हमेशा नॉन एरोमेटिक होता है, लेस स्टेबल होता है, सिंपली अनस्टेबल आप बोल सकते हैं। अब थर्ड स्टेप लेते हैं, यहां पर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होगा, एरिनियम आयन बना था हमारा दूसरे स्टेप में, उससे आगे रिएक्शन बढ़ता है, तो यहां पर देखिए आपका लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स जो पहले स्टेप में बना था वो वापस आता है और यहां से देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट कर जाते हैं, तो भाई इसके इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट कर जाएंगे तो यहां से बाहर निकल जाएगा एच क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आया आर बचेगा, इसको बोलते हैं अल्काइल बेंजीन, ठीक है। लेकिन यहां से जो अलग हुआ है वो हुआ है H+, तो H+ यहां से AlX3 से X- के साथ बॉन्डिंग करेगा, HX बनाएगा और AlX3 वापस बाहर आ जाएगा क्योंकि ये था हमारा लुईस एसिड कैटलिस्ट और ये रिएक्शन में यूज नहीं होता है, क्लियर है आपको। तो पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, दूसरे स्टेप में बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर अटैक करेगा जिससे बनेगा एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल होता है। स्टेप थर्ड में H+ निकलेगा और आपका वापस बन जाएगा एल्काइल बेंजीन और HX और AlCl3 वापस मिल जाएगा, AlX3 हो या AlCl3 हो या AlBr3 हो डिपेंड करता है, आप यहां पर जो भी एल्काइल हैलाइड लेंगे जो भी हैलोजन होगा वैसा ही आपको यहां पे लुईस एसिड लेना पड़ेगा। तो ये हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, पॉज कीजिए देखिए बहुत जरूरी है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्यों यहां पे ऐसे कर रहा हूं, क्योंकि ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये एग्जामिनर की फेवरेट रिएक्शन है और डिफरेंट एग्जाम्स में आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए वो इससे क्वेश्चन देता है, आता है और आता रहेगा, तो हमको कमांड करनी है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना है, कैसे भी है तुरंत पहचान लेना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए ये सारे स्टेप का आना जरूरी है। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था एग्जामिनर की फेवरेट है, तो हमको तैयार रहना है क्वेश्चन करने के लिए और +4 marks अटेन करने के लिए। आइए पहला रिएक्शन दिया हुआ है, यहां पे देखिए बेंजीन का रिएक्शन, यहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन से आईपी नेमिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया आपका 3-methyl butene, 3-methyl butene का रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन के साथ, एसिडिक कंडीशन मेंटेन किया हुआ है, हीट किया, बताइए क्या बनेगा। दूसरा रिएक्शन है यहां पर बेंजीन का रिएक्शन साइक्लोहेक्सीन से कराया है HF की प्रेजेंस में,
कोल्ड कंडीशन कूल किया हुआ है इसको, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा है, बताइए क्या बनेगा। इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है फिडल क्राफ्ट का। पॉज कीजिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में 3-methyl-butene की रिएक्शन एसिडिक कंडीशन, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर प्रोडक्ट बनता है ये। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें मैकेनिज्म समझते हैं कि ये बना कैसे, तो ये जो रिएक्शन बना कैसे है इसके लिए हमको जाना पड़ेगा मैकेनिज्म में स्टेप वाइज। पहला स्टेप लेते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये आप जानते हैं कि ये फिडल क्राफ्ट का एप्लीकेशन है, तो ये यहाँ पे एल्काइलेशन हुआ है बेंजीन का, तो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, ये आपका रिएजेंट है, ये आपका एसिड कैटलिस्ट है। एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में देखिए यहाँ पर ये वाला, ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो रिएक्शन में जो इनिशिएशन हुआ है, रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ है, इट स्टार्ट्स विद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आप जानते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 था ये, और ये हो जाएगा हमारा CH3। क्लियर है, यहाँ पे वैलेंसी कम हो गई है और ये कोर्स करेगा कैटायन, तो ये बन गया है हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। आप जानते हैं कि टर्शियरी मोस्ट स्टेबल होता है सेकेंडरी और प्राइमरी से, तो यहाँ पे ये लेस स्टेबल है। तो आपको देखना है, ये स्टेप आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जरूर आता है एग्जाम में कि आपको देखना है कि आपका कैटायन प्राइमरी या सेकेंडरी तो नहीं है। अगर वो प्राइमरी और सेकेंडरी है तो आपको मोर स्टेबल टर्शियरी के लिए जाना है। तो हमारा यहाँ पे देखा सेकेंडरी बन रहा है, तो आपको एडजस्टेड नेक्स्ट कार्बन की देखना है, लेफ्ट में CH3 लगा है, इधर भी CH लगा है। तो अगर यहां से ये H चला जाता है, और अगर ये H यहां से चला जाता है, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं बच्चों, अगर यहां से ये H चला जाता है, ये देखिए कैसे गया, ये देखिए हेटरोटिक क्लीवेज हुआ, H अपने इलेक्ट्रॉन लेके H माइनस फॉर्म में बाहर निकलता है और CH पे जाके कंबाइन करता है, उसके बाद CH कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, और ये जो कार्बन है जहां से H निकला है वहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप ही देखिए ये क्या बन गया है, तो ये बन गया है आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन, और ये मोर स्टेबल है, इन सबसे ज्यादा स्टेबल है ये। तो अब आपका स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया है, और रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करेगा टू गिव मेजर प्रोडक्ट। अगर आप उससे जाते हैं तो माइनर होगा, और एग्जाम में मेजर ही पूछता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया था एग्जामिनर की फेवरेट है, तो हमको तैयार रहना है क्वेश्चन करने के लिए और +4 मार्क्स अटेन करने के लिए। आइए पहला रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए बेंजीन का रिएक्शन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन से आईपी नेमिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका 3-methyl-butene। 3-methyl-butene का रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन के साथ, एसिडिक कंडीशन मेंटेन किया हुआ है, हीट किया, बताइए क्या बनेगा। दूसरा रिएक्शन है यहाँ पर बेंजीन का रिएक्शन साइक्लोहेक्सीन से कराया है, HF की प्रेजेंस में कोल्ड कंडीशन कूल किया हुआ है इसको, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा है, बताइए क्या बनेगा। इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है फिडल क्राफ्ट का। पॉज कीजिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। रिएक्शन में 3-methyl-butene की रिएक्शन एसिडिक कंडीशन, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर प्रोडक्ट बनता है ये। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें मैकेनिज्म समझते हैं कि ये बना कैसे, तो ये जो रिएक्शन बना कैसे है इसके लिए हमको जाना पड़ेगा मैकेनिज्म में स्टेप वाइज। पहला स्टेप लेते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये आप जानते हैं कि ये फिडल क्राफ्ट का एप्लीकेशन है, तो ये यहाँ पे एल्काइलेशन हुआ है बेंजीन का, तो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, ये आपका रिएजेंट है, ये आपका एसिड कैटलिस्ट है। एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में देखिए यहां पर ये वाला, ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो रिएक्शन में जो इनिशिएशन हुआ है, रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ है, इट स्टार्ट्स विद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आप जानते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 था ये, और ये हो जाएगा हमारा CH3। क्लियर है, यहाँ पे वैलेंसी कम हो गई है और ये कोर्स करेगा कैटायन, तो ये बन गया है हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। आप जानते हैं कि टर्शियरी मोस्ट स्टेबल होता है
सेकेंडरी और प्राइमरी से, तो यहाँ पे ये लेस स्टेबल है। तो आपको देखना है, ये स्टेप आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जरूर आता है एग्जाम में, कि आपको देखना है कि आपका कटायन प्राइमरी या सेकेंडरी तो नहीं है। अगर वो प्राइमरी और सेकेंडरी है तो आपको मोर स्टेबल टर्शरी के लिए जाना है। तो हमारा यहाँ पे देखा सेकेंडरी बन रहा है, तो आपको एडजस्टेड नेक्स्ट कार्बन की देखना है, लेफ्ट में CH3 लगा है, इधर भी CH लगा है। तो अगर यहाँ से ये एच चला जाता है, और अगर ये एच यहाँ से चला जाता है, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं बच्चों, अगर यहां से ये H चला जाता है, ये देखिए कैसे गया, ये देखिए हेटरोटिक क्लीवेज हुआ, H अपने इलेक्ट्रॉन लेके H माइनस फॉर्म में बाहर निकलता है और CH पे जाके कंबाइन करता है, उसके बाद CH कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, और ये जो कार्बन है जहां से H निकला है वहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप ही देखिए क्या बन गया है, तो ये बन गया है आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन, और ये मोर स्टेबल है, इन सबसे ज्यादा स्टेबल है ये। तो अब आपका स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया है, और रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करेगा टू गिव मेजर प्रोडक्ट। अगर आप उससे जाते हैं तो माइनर होगा, और एग्जाम में मेजर ही पूछता है। बेंजीन जो है इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ माइनर बनेगा, एग्जाम में मेजर के लिए जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ, उसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना आपको क्लियर हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। होता क्या है कि जो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बना है उस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये देखिए यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ गए, तो ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है कार्बोकैटायन, ये यहाँ पर बेंजीन के साथ अटैच हो गया। आपको पता है बेंजीन में हर एक कार्बन के पास एक एच होता है, तो यहां पर देखिए एक एच लगा और एक ये एल्काइल लगा, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप लगा, और जो बाजू वाला कार्बन एडजेसेंट है वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया है, प्लस चार्ज, और इसी को बोलते हैं एरिनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो एरिनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जब बनता है वो तब बनता है जब बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे और इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड में एरिनियम आयन जो है वो दोबारा से कन्वर्ट होता है बेंजीन में। देखिए यहां पर ये एरोमेटिक नहीं है, ये हम लोग पहले बता चुके हैं। स्टेप थर्ड में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन और H+ यानी H+ बाहर निकलता है। देखिए क्या होता है, ये हमारा एरिनियम आयन है, और अगर आपको याद हो H2SO4 ने यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट ने एक H आयन हमने यहाँ से लिया था पहले स्टेप में, तो वो जो H आयन हमने यहाँ से लिया था उसके लेने के बाद जो बचा ये है HSO4- कॉन्जुगेट बेस है ये H2SO4 एसिड का, और यहां से ये वापस देखिए ये यहां से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होते हैं और यहां से निकलता है H+। उस H+ को ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये अपने साथ ले जाता है, तो यहां से निकलेगा H+, यहां से ये बॉन्ड डबल हो जाएगा और प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। अब जब यहां से H+ और यहां से HSO4- दोनों कंबाइन हुए, देखिए क्या बना है H2SO4, और यही है हमारा एसिड कैटलिस्ट जो हमने स्टार्ट में लिया था। और आप जानते हैं कि कैसा कैटलिस्ट जो होते हैं वो कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, उनका स्टार्टिंग में और लास्ट में जो फॉर्म होता है, फेज जो होता है, वो सेम फॉर्म में रहते हैं। तो ये देखिए हमारा बन गया एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, स्टार्टिंग में हमने बनाया था, आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन में कहीं कार्बोकैटायन तो नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो आपको स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन में जाना है। हेक्सीन की रिएक्शन हो रही है बेंजीन से, तो साइक्लोहेक्सीन जो होता है वो एसिड कैटलिस्ट HF के साथ रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। देखिए होता क्या है कि यहां से ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर जाएगा। आप जानते हैं एल्कीन्स जो होती हैं दे कोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी कि H+ यहां पे चला गया। देखिए यहां पे डबल बॉन्ड था, यहां पर H आ गया और यहां पर आ गया है आपका कैटायन। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल है, टर्शियरी बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। इधर से देखिए कहीं से भी नहीं बनेगा। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आपका बन चुका है। अब बात करते हैं स्टेप टू की। तो स्टेप टू में आपको पता है, स्टेप टू में बनता है हमारा एरिनियम आयन फॉर्मेशन। तो अगला स्टेप हम ये लेंगे, यहां पे एरिनियम बनाने के लिए बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल यानी कार्बोकैटायन पे। कैसे करेगा ये देखिए,
ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेंजीन इस पे तुरंत अटैक करेगा, ये देखिए। और जब इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए। अब यहां से बन जाएगा आपका एरिनियम आयन, एरिनियम आयन या इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, आप जानते हैं। तो थोड़ा सा इसको दिखाते हैं यहां पे आपको, देखिए ये बन गया आपका एरिनियम आयन, और यहां पर लगा हुआ है प्लस चार्ज, और आप जानते हैं बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक एच प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका एरिनियम आयन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो आप जानते ही हैं, स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में होगा हमारा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन बाहर जाएगा, जिससे एरिनियम जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। देखिए एरिनियम आयन है, ये बेंजीन यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है जिसे बेंजीन में था, तो ये बेंजीन नहीं है, ये एरिनियम आयन है, डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, और ये पॉसिबल होगा बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को निकालते हैं, आइए लास्ट स्टेप हमारा ये। तो यहां पे होता क्या है, आप जानते हैं कि यहां से जो H है ये यहां से निकलेगा, और जब ये यहां से निकलेगा तो आप जानते हैं वापस आ जाएगा आपका एरोमेटिक कैरेक्टर, ये देखिएगा, ये देखिए। करने के लिए आपने देखा था कि पहले स्टेप में आपने HF का H आयन यूज किया था, तो F- माइनस वहां पे बचा हुआ है, तो F- माइनस को बोलते हैं लुईस बेस। अभी लुईस बेस आएगा और यहां से H प्लस के साथ बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे तो यहां से निकलेगा H प्लस, और ये H प्लस जो होगा F माइनस के साथ बॉन्डिंग करके HF वापस आ जाएगा। बस यही तो था आपका HF, एसिड कैटलिस्ट, जो रिएक्शन के स्टार्ट में भी HF फॉर्म में है और लास्ट में भी HF फॉर्म में है, ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ है। और देखिए यहां पर डबल बॉन्ड फिर से वापस आ गया है, यानी एरोमेटिक कैरेक्टर फिर से वापस आ गया है, और ये आपका कंपाउंड बन गया है साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या साइक्लोहेक्साइल बेंजीन बोल सकते हैं आप इसको। तो ये देखा आपने, ये है आपकी कुछ एप्लीकेशन फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस के, ये आपको करने हैं और सीखने हैं।